द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर। अब देखो, रशिया पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बहुत बुरा असर हुआ। इन 1914 वार ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलायंस। दो यूरोपियन अलायंस थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की एक साइड थे, सेंट्रल पावर फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, बाद में इटली और रोमानिया ने भी इसे ज्वाइन कर लिया, ये दूसरा था, ये एलिड अलायंस था। पहला वाला सेंट्रल पावर था, दूसरा वाला एलिड पावर था। अब ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एंड द वॉर फॉट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप। यूरोप के बाहर भी वॉर हो रहा था, यानी जो रशिया का पार्ट था, और रशिया के अंदर भी हो रहा था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। रशिया में इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल, शुरू में रशिया में जो वॉर था वो पॉपुलर हुआ और लोगों ने जार निकोलस का साथ दिया, रैलिड अलाउंड। लेकिन जैसे जैसे वॉर कंटिन्यू हुआ, जार को जो डूमा के मेन पार्टीज थे ना, उन्होंने कंसल्ट करने से मना कर दिया, रिफ्यूज नहीं, जार ने उन डूमा की मेन पार्टी से कंसल्ट नहीं किया, सपोर्ट वॉर थिन। अब यानी जो पहले उसे लोगों का समर्थन था, राजा को, निकोलस को, वो अब नहीं हुआ। देखो, कोई भी कंट्री वॉर में जाएगी, जैसे रशिया का केस लो, पुतिन है ना, आज शुरू में वॉर गया तो लोगों ने सपोर्ट किया, क्योंकि भैया अपनी कंट्री का मामला है, अपनी कंट्री को तो कोई ऐसे नहीं छोड़ सकता। लेकिन अब जैसे जैसे 1.5 साल हो गया, वॉर ख़त्म होने को नहीं आ रहा, तो लोग वहाँ रिबेल कर रहे हैं। तो सेम यहाँ था, सेम कंडीशन, क्योंकि इतने लंबा कोई भी वॉर का जब नेगेटिव इफेक्ट होते हैं तो कोई भी नहीं सहन कर सकता। और यही था कि रशिया यहाँ हार रहा था, जर्मनी वाली जो फ्रांस और ब्रिटेन वाली साइड थी ना, जहाँ जर्मनी लड़ रहा था, जर्मनी नेबर कंट्री है रशिया की उस समय का उसमें, तो और फ्रांस और इंग्लैंड भी नेबर कंट्री है जर्मनी की, वहाँ तो फ्रांस और जर्मनी इंग्लैंड स्ट्रांग थे, तुमने एलिट फ्रांस में तीन बनाया, लेकिन रशिया वाली साइड वीक थी, यहाँ जर्मनी जीत रहा था और दूसरी साइड जर्मनी हार रहा था, ये केस था। अब इसमें क्या था, अब एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स रेन हाई। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि लोग जो है वो राजा के खिलाफ हो गए, राजा के खिलाफ हो गए, क्यों खिलाफ हो गए, ठीक है, कैन बी सीन इन रीनेमिंग्स। अच्छा, अब लोग जो है एंटी जर्मन इतना हो गया कि सेंट पीटर्सबर्ग ना एक जर्मन नाम है, लोग जर्मनी के इतने खिलाफ हो गए कि सेंट पीटर ना का नाम चेंज करके उन्होंने पेट्रोगार्ड कर दिया, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अब लोग खिलाफ हो गए, क्यों खिलाफ हो गए, इसका एक कारण तो वही है कि इतने लंबे से वॉर चल रहा था, बाद में वो हारने लगा तो लोग उसके अगेंस्ट चले गए, क्योंकि अच्छा फ्रंट नहीं था। दूसरा, जो सारीना अलेक्जेंड्रा थी, जो उसकी वाइफ है शायद ये जार की, तो वो जो थी उस जर्मन ओरिजिन थी, मतलब के जो राजा है उसका ससुराल जर्मनी था, तो लोग सोचते थे ये जर्मनी के अगेंस्ट क्यों जाएगा। और तीसरा, जो उसको सलाह देता था रासपुतिन, राजा इससे सलाह लेके काम करता था, ये भी ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर था, मतलब ये भी लोगों में पॉपुलर नहीं था, लोगों को लगता था कि राजा इसकी सलाह लेके काम कर रहा है और ये राजा को सही सलाह, सही एडवाइस नहीं कर रहा, ये था इसमें, पोंग था, ये प्रीस्ट था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफरेंट रहती, देखो ये आ गया, ईस्टर्न फ्रंट से वेस्टर्न फ्रंट पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अलग था, ये ईस्टर्न फ्रंट है इंग्लैंड और फ्रांस वाला, जहाँ पे इंग्लैंड और फ्रांस जीत रहे थे, जर्मनी हार रहा था, और वेस्टर्न फ्रंट था जहाँ जर्मनी पावरफुल हो रहा था और रशिया वीक हो रहा था। इन द वेस्ट आर्मीज फॉर्स्ड विद ट्रेंचेस, ट्रेंचेस मतलब होता है गड्ढे बना के, गड्ढों में से गोलियां चला रहे थे, स्ट्रेच अलोंग ईस्टर्न फ्रांस। इन द ईस्ट आर्मी मूव्ड अ गुड डील एंड फॉट बैटल्स लीविंग लार्ज कैजुअलिटीज, वहां पे जर्मनी के लोग ज्यादा मर रहे थे, आगे बढ़ रही थी, डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डीमोरलाइजिंग, रशिया आर्मी लॉस्ट बैडली, ये देखो रशिया की आर्मी जर्मनी से और ऑस्ट्रिया से मुकाबला नहीं कर पा रही थी, 7 मिलियंस जर्मनी रशिया के लोग 1917 तक मारे जा चुके थे, एज द रिट्रीटेड मतलब वो पीछे हट रहे थे, रशियन आर्मी, अब उसे पता था कि हम जर्मनी से जीत तो सकते नहीं, तो वो जहाँ पीछे हटते जा रहे थे ना, वहाँ पे बिल्डिंग, खाना पीना, जो भी सामान था ना, सबको बर्बाद करते जा रहे थे, डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे, ताकि जो वो आए जर्मनी के सैनिक, तो उनको खाने पीने रहने के लिए कुछ ना मिले, उनके लिए वहाँ रहना मुश्किल हो जाए, तो वो ये करते हुए जा रहे थे। द डिस्ट्रक्शन क्रॉप्स बिल्डिंग, देखो 3 मिलियन रिफ्यूजीज रशिया में हो गए, और द सिचुएशन डिसक्रेडिटेड द गवर्नमेंट, अब इसी की वजह से गवर्नमेंट और जार की जो वो था डिसक्रेडिटेड, मतलब लोगों का उससे विश्वास उठ गया, सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर, और वो जो सोल्जर थे वो ऐसी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे।
जिसमें हारने वाली लड़ाई कौन लड़ेगा, कोई नहीं लड़ना चाहेगा। द वॉर ऑल्सो एट इंडस्ट्री पे भी असर पड़ा। अब देखो इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ा, ये भी आएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ा। रशिया की इंडस्ट्रीज जो थी ना कम थी, पहले ही कम थी, अब था क्या इंडस्ट्रीज को कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल कहाँ से आता था, कच्चा माल आता था बाल्टिक सी से, यानी वो रास्ता था। अब बाल्टिक सी पे जर्मनी ने कर लिया कब्जा, तो जर्मनी ने उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया, तो वो कच्चा माल रशिया नहीं पहुंच पाएगा। तो जब रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो फैक्ट्रीज कहाँ से काम करेंगी, तो फैक्ट्रीज भी बुरी हालत में थी। कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लायर ऑफ द इंडस्ट्रियल गुड बाय जनरल कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी। समझ में आ गया, जो उनको माल चाहिए था वो कट ऑफ हो गया सप्लाई इंडस्ट्रियल गुड्स की, क्योंकि जर्मन ने बाल्टिक सी को कंट्रोल कर लिया था। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिस इंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया देन एल्सवेयर इन रिपेयर। तो अब ये जो इंडस्ट्रियल वो जो था प्रोडक्शन था वो ज़्यादा गिर गया रशिया में एज कम्पेयर टू यूरोप, ठीक है, बहुत ज़्यादा। इक्विपमेंट डिस इंटीग्रेटेड मतलब तो होता है अलग अलग करना, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिस इंटीग्रेटेड यहाँ पे आप बोलते। अब 1960 में रेलवे जो थी वो भी बिगेंड ब्रेक डाउन, वो भी नहीं, उनका भी काम खराब होने लग गया। एबल बॉडीड मैन वर कॉलिड अप टू बार एज अ रिजल्ट देयर वर, अच्छा अब क्या था, एबल्ड बॉडीड मतलब जो भी है, जब आपकी कंट्री वॉर कर रही है सैनिक मर रहे हैं, तो जो यूथ है कंट्री में जो अच्छी कंडीशन में है एबल बॉडीड हेल्दी है उसको लड़ाई के लिए बुला लिया गया। अब वो जाएगा क्या, वो यहाँ तो कोई ना कोई काम कर रहा होगा ना, चाहे खेती करे चाहे इंडस्ट्री में काम करे, तो अब यहाँ का काम छोड़ के उसे बॉर्डर पे लड़ने के लिए भेज दिया, तो फिर यहाँ पे लेबर की शॉर्टेज हो गई। तब भी इंडस्ट्री पे असर पड़ा, इंडस्ट्री के तीन कारण थे, एक तो वो लड़ने चले गए थे तो लेबर की शॉर्टेज हो गई, रेलवे का नेटवर्क पूरा ब्रेक डाउन हो गया, खराब हो गया, उन्होंने रेलवे की पटरियां भी उखाड़ दी थी जब वो जाते जा रहे थे ना, और ये वॉर हो रहा था। और पहला जो आपने पढ़ा सबसे पहला रीज़न कि वो सप्लाई कट ऑफ हो गई थी। देखो एज अ रिजल्ट देयर वर लेबर शॉर्टेज एंड स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग एसेंशियल्स। अब वो जो स्मॉल वर्कशॉप थी ना जो छोटा छोटा ज़रूरी सामान बना रही थी वो भी बंद हो गई। अब जो खेती होती थी ना, जितनी खेती होती थी वो सारी सेना को भेज देती थी कि तुम खाओ, तुम भूखे मत रहो भैया क्योंकि तुमको लड़ना है, तो वो सामान उधर चला जाता था और लोगों को स्कार्स कमी होने लगी सिटीज़ में ब्रेड और फ्लोर की, और विंटर में जो है राइट्स फैल गए, राइट्स एट ब्रेड शॉप वर कॉमन मतलब लूटपाट ब्रेड की शॉप, लोगों को मिलता नहीं था खाना तो वो राशन की शॉप पे जहाँ पे ब्रेड मिलती थी या जो भी उनका स्टेपल फूड था वहाँ पे लोग लूट लेते थे।